देखते हैं इस खेत में क्या क्या है और क्या क्या फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंट्रेंस में हम देखने को मिल रहा है कड़ी पत्ता, बहुत फ्रेश दिख रहा है, नहीं अच्छा है। और वैसे भी यहाँ पर साउथ में हर सब्जी वगैरह में कड़ी पत्ता तो चाहिए ही है। इस साइड जाते हैं तो इस साइड हम लोगों को दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ इसमें बीन्स लगी हुई है। और आई थिंक यहाँ पे लोगों ने काफी सारी फार्मिंग कर रखी है। जैसे ये है हम लोगों का तोरी का, तोरी की बेल है ये, ये देखिए यहाँ पे छोटी तोरी लग रही है। ये सब आप अपने लिए भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फार्मिंग कर सकते हैं यहाँ पर आकर, वो मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे भी तोरी लग रखी है यार, मस्त है ये तोरी, काफ़ी सारी लग रही है। काफी सारी चीजें इन लोगों ने कर रखी है। बैंगन का पौधा और चटपटे बैंगन, और वो भी आलू के साथ तो बहुत मजा आता है। और ये है टमाटर, यहाँ पर डाल दिए उन्होंने ऐसे कि इजीली टमाटर के पौधे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो खराब टमाटर डालने से भी। इस साइड इन्होंने यहाँ पर, और देखो इस बेल पे भी काफी सब कुछ वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, जिसका नाम तो नहीं पता इस सब्जी का, लेकिन हाँ इसकी बेल है। इसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। पेड़ है यहाँ पर, केला वैसे भी साउथ साइड में काफी ज्यादा होता है। अरे छोटे छोटे केले ना बहुत टेस्टी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो समझ नहीं आ रहा क्या है, लाल मिर्ची है राइट, कुछ तो है, कुछ तो है ये। ओके 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 ओके, कुंदरू, कुंदरू है, कुंदरू, कुंदरू की बेला, बहुत टेस्टी होता है, मस्त मजा आता है इन सबको खाने में। और उन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है कि पानी कैसे जाना चाहिए, पूरा एक निकासी बना रखी है जैसे ऐसे पानी पूरा निकलना चाहिए, हर एक बेल के पास, हर एक पौधे के पास जाए। तो थोड़ा सा आगे जाके देखो यहाँ, ठीक है देख यहाँ और भी टाइप। ये है ब्रोकली और ये इसके साथ में था हमारे को कॉलीफ्लावर मिला, और ये है लेडी फिंगर, अभी इसमें और पौधे भी आ रहे हैं। ये साथ साथ में ही हो रखे, देखो जैसे यहाँ पर है हरी मिर्च छोटी छोटी, जो भी हरे हैं। अभी इसका
बाहर जा रहे हैं, ग्रीन देखने लगे हैं इससे, क्योंकि ये चार है यहाँ पे अभी, ये रहा ग्रीन वाला, लेकिन अभी ये बना नहीं है, अभी हो रहा है लेकिन बहुत टेस्टी होती है, मैंने टेस्ट किया। और इसी के साथ यहाँ पर है मेरे पास करेले की बेल, देखो छोटा सा करेला यहाँ पे लग रहा है, ये देखो करेले की बेल है, ये अभी पौधे आ रहे हैं इसमें, काफी मजा आ रहा है यार सुबह सुबह ये सब चीजें करने में। पालक देखने में जो बहुत ही मस्त लग रही है यार, कितना ग्रीनरी है ना, देखो कितना ग्रीन ग्रीन है, काफी बड़ा खेत है ये। देखो यहाँ पे आराम से यार पानी सिंचाई करने के लिए इस नदी का करती हूँ भाई, और बहुत टाइट है, नहीं हो रहा, बच गई मेरी तो। ये मुझे नहीं पता, आई थिंक ये पपीते का पेड़ तो नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है, दिख तो वैसे ही रहा है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूबवेल है जो जो इस ट्यूबवेल से पानी देते हैं यहाँ पे, आई थिंक क्लीन करना चाहिए इसको, कि ऐसे ही हो जाता है ये। अनार का पेड़, अनार का पेड़ वैसे भी छोटा होता है लेकिन बहुत ही भरा रहता है फूल से, अब देख सकते देखो, और हाँ इन्होंने इसको कवर कर रखा है देखो नेट से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपस में रब होके ना वो ख़राब हो जाता है। किसके लिए यूज करते हैं इसको, कहाँ कहाँ? हाँ नारियल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये केले के पौधे, देखो केले का पेड़ है इसका, फुल भरा हुआ है वो भी, इन्होंने यहाँ पे खाद भी रख रखा है। प्योर है, अच्छा एकदम, बहुत तेज है इसको। अमरूद लगा रहे हैं यहाँ पर, तो टाइम लगेगा इसको, लेकिन ठीक है काफी भरा हुआ है, फलदार है ये। मैंने यहाँ देखा सारा मोस्टली क्रीपर प्लांट्स है, जैसे तोरी हो गया, करेला हो गया, ठीक है घिया था मैंने देखा यहाँ पर, और एक वो प्लांट है वहाँ पर, वाओ। यहाँ पर लीज ऑर्गेनिक लीज फार्मिंग कर सकते हैं, जो 650 स्क्वायर फीट है, जिसका पर मंथ रेंट है 2300, और यहाँ पर बीज इनका होता है, पानी भी ये देते हैं, और ये पूरा ध्यान सब कुछ इन्हीं यही लोग रखते हैं, बस आपको आना है एक बार, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप आके विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपनी फसल को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पालक जो है एक महीना लगता है उसको रेडी होने में, और जैसे टमाटर हो गया या और कुछ ग्रीन सब्जियाँ जैसे करेला, ये सब कुछ चीज़ें हो गई, इसके लिए 2 से 3 महीने लगते हैं। तो मैं इस जगह का और इन इस फार्मर का पूरा जो डिटेल्स होंगी वो अपनी वीडियो के नीचे दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ ये लोग मतलब पूरा एक पार्क कवर कर देते हैं वो आपका, और उसमें पानी सिंचाई सब कुछ यही लोग करते हैं, तो कम उसमें
आप लोग अपने हिसाब से खेती करवा सकते हैं, ऑर्गेनिक वो भी। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और मेरे को ये भी लगा कि ये सब चीज़ें फैमिली वाले देखें और आप लोग भी आकर अपनी फैमिली के साथ ये सब चीज़ें करें। घर के छोटे बच्चे जब ये सब चीज़ें देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत, मतलब हम लोग भूल चुके हैं सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें जब हमारी फैमिली के छोटे बच्चे करते हुए देखेंगे कि यार अपना ये सब चीज़ें हैं, तो एक अलग ही मज़ा होगा। और हमारे बुजुर्ग लोग तो और खुश हो जाएंगे कि बच्चों ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, कुछ करने की सोची है। वहाँ पर सारा का सारा वेजिटेबल्स था, यहाँ सारा फ्लावर्स हैं। रोज, वाओ, एक पे कितने सारे हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसके एक पे कितने सारे हो गए। रेड रोज, मेहनत फुल कर रखी है, पूरी मेहनत कर रखी है। खेती करना आसान काम नहीं है, पहले बीज बो, फिर उसके लिए वेट करो, बारिश का थोड़ा ध्यान रखो, हर चीज सही है यार। आपको ये वीडियो, ये सब कुछ आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत मज़ा आया। हाँ, सुबह सुबह उठना ज़रूर पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।